पुलवामा के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह व एसपी वसीम अकरम ने युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। बीजेपी जिलाध्यक्ष विक्रम काद्यान सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व गणमान्य जिलावासियों ने शहीदों को किया याद। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा, शहीदों का बलिदान युवा पीढ़ी के लिए रहेगा प्रेरणा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने सोमवार देर सायं सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग परिसर स्थित युद्ध स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर वर्ष 2019 में पुलवामा में शहीद हुए वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डीसी के साथ एसपी झज्जर वसीम अकरम ने भी युद्ध स्मारक पर वीर बलिदानियों को नमन किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष विक्रम काद्यान ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैप्टन शक्ति सिंह ने वीर बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अभूतपूर्व सेवा को सदैव याद रखा जाएगा। उनका शौर्य और उनका सर्वोच्च बलिदान देश को मजबूत और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। डीसी एसपी के साथ बड़ी संख्या में जिला के गणमान्य व्यक्ति बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने युद्ध स्मारक पहुंचे। युद्ध स्मारक पर मोमबत्ती जलाने के उपरांत मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर झज्जर एसडीएम सिखा ईओ अरुण नांदल बीडीपीओ उमेद सिंह के साथ साथ प्रवीण गर्ग मनीष बंसल केशव सिंगल अमित सिंगल हरिप्रकाश यादव आदि के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों एवं एक्स सर्विसमैन लीग के सदस्य पूर्व सैनिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए जी, एक तो पुलवामा में जो हमारे बहादुर जवान शहीद हुए थे, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा काम के लिए मौन रखा गया और उन्हीं जैसे बहादुर जवानों की शहादत की वजह से हमारी आज़ादी कायम है और भारत की सेना ने उसके तुरंत बाद ये भी साबित कर दिया कि जो भी व्यक्ति हमारी अखंडता के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको कड़ा सबक सिखाया जाएगा और उन्होंने सिखाया भी था। और ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे क्षेत्र में गया, पूरे अलग अलग देशों में गया है। तो हम सब जानते हैं और अपने ज़िले में तो बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वो सेना की सेवा के महत्व को उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि जो सैनिक अपनी जान तक नछावर करने के लिए जाता है उन शहीदों के लिए हमेशा हमारे मन में श्रद्धा और नमन होना चाहिए। उसी दृष्टि से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सामने नमन करते हैं।